ट्रांसपोर्ट, आज टैक्सी यूनियन जम्मू कश्मीर में एक टैक्सी यूनियन, देखो टूरिज्म के ऊपर सारा निर्भर है। आज की जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, उसका मुद्दा ये है कि हमारा जो जजमेंट का वायलेशन ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पिछले 4 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ, पहले 2 ऑर्डर आ चुके थे, अब तो फाइनल जजमेंट जो हमारे पास आया हुआ है, उसके बावजूद भी ये एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो वो एक गुंडागर्दी का रूप हमें दिखा रही है कि हम लोगों को पिछले 1.5 साल से उन लोगों ने हमारा स्टैंड वहाँ से हमें गाड़ियाँ नहीं ऑपरेट करने दे रहे। हम 1.5 साल से खजल हुए हैं, हमारी रोजी रोटी 1.5 साल से बंद पड़ी है और हमारे साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस बस स्टैंड के अंदर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते नहीं हैं कि हम लोग वहाँ पर काम करें, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल के एजेंट जो लोग हैं वो चाहते नहीं कि यूनियन कोई कामयाब हो। तो इसलिए आज हमें बड़ा दुख हुआ कि ये अगर कानून के रखवाले ही कानून को नहीं मानेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। आपको पार्किंग स्लॉट दिया गया था? वो बिल्कुल दिया गया था, एक वो मैं कह रहा हूँ कि एक खेल खेला गया हमारे साथ। वो पहले भी हमारी बाइटें हो गई, उसमें भी मेरे यही बयान थे कि अभी जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। उसमें भी एक JDA ने भी हमारे साथ चाल खेली और इन ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी हमारे साथ। जो इनको पार्किंग स्लॉट दिया है, हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो कहता है कि जो राइट साइड ऑफ द PHE ऑफिस जहाँ पे ये अपनी गाड़ियाँ लगा रहे थे काफ़ी सालों से, हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अपने जजमेंट में ये क्लियर किया है कि वो जो एरिया स्पेसिफाई एरिया हाई कोर्ट ने उसको स्पेसिफाई किया है अपने जजमेंट में, वो एरिया एज ए पार्किंग स्टैंड ही रहेगा। और ये इनको कंटिन्यू किया है कि इनको अलो किया है कि वो ये गाड़ियाँ वहाँ पर जाके लगाएं। अब उसके बाद इस वर्डिक्ट के बाद GMC ने ही ये ऑर्डर निकाला था कि ये नॉन पार्किंग जोन है जिसको इन्होंने चुनौती दी थी। GMC ने खुद अपना ऑर्डर वो वापस लिया, टू द एक्सटेंट कि ये जो राइट साइड ऑफ द PHE ऑफिस है टूवर्ड्स KC थिएटर, इसको हम पार्किंग जोन ही रखेंगे। अब अगर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आती है उसकी रिस्पेक्ट करना हर अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है। इट इज़ दी ऑफिशियल एज वेल एज लीगल ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट दी जजमेंट वर्डिक्ट ऑफ दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। बट उसके बावजूद भी अगर जैसे ये कह रहे हैं कि इनका चलान हो रहे हैं वहाँ पर, अगर ये वहाँ पर गाड़ी लगाते हैं, हाई कोर्ट ने जब अलो कर दिया, अगर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना था तो वो उस हाई कोर्ट के वर्डिक्ट जजमेंट को जाके चैलेंज करते, उसकी अपील करते, उसकी कोई अपील नहीं हुई आज तक। तो वो वर्डिक्ट इट हैज़ नो बिकम फाइनल। जब एक फाइनल वर्डिक्ट हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो तो आपकी लीगल ड्यूटी है। वो तो अगर आप उसकी विलफुल वायलेशन करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जजमेंट है, इसकी रिस्पेक्ट की जाए, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।